अच्छा ये लग रहे कैसे जैसे असली हो ना, लेकिन ये सारे प्रिंट हुए हुए हैं। क्या हुआ आमिर भाई? हमजा सो गया इसके झूले में और इससे जो ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये कब से जो ना झूले को और कभी हमजा को कभी क्या कर रहा है। मीर वे इधर इधर बात सुनो। अभी अभी आ इधर हमजा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ हमजा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहीं तो नहीं सुन देगा, मुंह से थम निकल, चलो बच्चे हो अभी तक। आया 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 मीर, अब क्या होगा? इसको बोलो उठो, बोलो हमजा, बोलो बस भाई बस, डर गया बस वो। और भी अभी हमजा आ गया, हमजा सलाम करो, चलो। और क्या हो रहा है भाई आजकल? कुछ नहीं। अरे यार कुछ तो हो रहा होगा आजकल, तो आजकल मिलना हाँ। मम्मा को चुनकिया मारता है, पार्टी करता है, इतना मारता है इतना। मम्मा को मेरे आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप मारते हो इतना जी। मम्मा को कह सकते हैं कि मिल मेरी आंटी ने आप जी आप मारते हो? अरे झूठ नहीं बोलो, वो बोला झूठ नहीं बोलो। मीर ये झूठ बोल रहा है ना, फिर से बैठ रहा है वो, देखो फिर से। बस बस इतना गुस्सा नहीं, इतना गुस्सा नहीं, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बस, सॉरी सॉरी। मीर ऐसा करो करो, अभी नहीं करेंगे हमजा, ऐसा उठा के ले जाओगे ऊपर? नहीं अभी तो बोल तो उठा लूंगा, नहीं उठा सकोगे? चलो रुको मैं आपको ऊपर छोड़ के आता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। नहीं मेरे साथ नहीं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। तो जी आप सबको मेरी तरफ से हो गया अस्सलाम वालेकुम, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। कल हम मूवी नहीं देख पाए थे, अभी मैं घर पे दूध सब्जी सब कुछ देखे जा रहा हूँ, और रात को जो है तबीयत इतनी ख़राब हुई थी ऐसा लगता था मर जाऊँगा आज, लेकिन फिर भी बच गया डे टू में। काली काली उल्टियाँ ही पता क्या था, वो गोल गप्पे खाने पता क्या, तो तबीयत इतनी ख़राब हुई थी मैं आपको बता नहीं सकता, बस बोला था कि आज बच जाऊँ बस आज बच जाऊँ। खैर फिर सुबह तबीयत बिल्कुल फिट हो गई, तो बस अभी चलता हूँ दोस्तों के साथ, और आज बाहर से कुछ भी नहीं खाऊँगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊँगा। और यहाँ पर दो गुंडे आए हुए मुझे उठाने के लिए, एक इनकी बाइक है एक मेरी अपनी बाइक है। तो आज भाई क्या मूवी देखने का प्रोग्राम? छः बजे का टाइम था, छः तो यहीं पर निकल गए, साढ़े छः का है। चलो चलो बैठो फिर, चलो गोली हो जाओ चलो। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं एट्रियम मॉल में, और यहाँ पे चल के क्या करना है? मूवी देखनी, मूवी देखने के सी खाना है और भी बहुत कुछ खाना है। तो भाई मूवी देखनी है और इसको के एफ सी खाना है, जो भी अच्छा है बस। फिलहाल देखते हैं कि कोई मूवी के टाइम भी है या नहीं है। और ये बिल्डिंग देखें कितनी छोटी सी है ना, और ये मेरा भाई मुझसे लिफ्ट भी है या सीढ़ी है, अगर कोई यहाँ पर रहता है ना इस बिल्डिंग। हाँ एक चाचा है, चलो उससे। अच्छा कोई यहाँ पर रहता है बता देना, इसके अंदर लिफ्ट है, जैसे बात है लिफ्ट होगी इसके अंदर। तो अभी एटीएम मॉल के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हम गाय से, हेलो कैसी हो, ठीक हो? उस ओरिजिनल लग रही है भाई इसके अंदर तो। और ये बकरी है और नहीं ये शीप है। अच्छा ये बकरी है और ये कैमल है, ये सब हैं। अच्छा इसके अंदर देखो मट्टी वट्टी घास भी डाला हुआ है असली वाला। अब भाई ये तो सीन कर दिया इन लोगों ने, हाँ घास डालने से पता चल रहा है कि हम लोग कैसे। अच्छा वो ये तारिक है और ये अरे नहीं ये गाय है और ये तारिक है। चलो जो भी अच्छा है। तो भाई इन सब के साथ हमने वीडियो बनाने के बाद अभी चलते हैं ऊपर से। लग रहे कैसे जैसे असली हो ना, लेकिन ये सारे प्रिंट हुए हुए हैं और लकड़ी से बने हुए हैं, लेकिन ग्रास वगैरह और सब कुछ ना असली है। चलो इसके साथ सबको ना हेलो हो गया। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के कोई मूवी वूवी का सीन देखते हैं कि क्या सीन है ना ऊपर। तो भाई साहब सीन ये है कि आज भी हम लोग मूवी नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो अभी शो लगा हुआ है ना उसके अंदर सारी टिकट वगैरह फुल है, और जो हमें अगला भी अगली वाली जो रात वही फिर वही 12:30 वाली कहानी थी, उससे पहले था हम लोग वापस चले जाते, और टिकट भी महंगी थी। कितने की थी? 800 बोला था ना, 800 बोला था, गिन ना जाओ। खैर 800 रुपये सही थे, लेकिन इससे अच्छे हम लोग फिर सेट चले जाते, वहाँ पर 3D भी सीन होता है और वहाँ पर मूवी भी एक से एक पढ़ के लगती है। यहाँ पे बस वही तेरी मेरी कहानी थी, और तेरी मेरी कहानी में लगता है कोई पुराना ही सीन था, यहाँ पर हम नहीं देख रहे भाई। खैर भी मूवी तो हमने नहीं देखी, फिर हम यहाँ पर बेदाम देखने आ गए, देखने नहीं वैसे, यहाँ से हम लोग थैलियाँ ले रहे हैं, और यहाँ पर देखें अखरोट कितने मज़े के। अखरोट नहीं है क्या ये? बादाम ही है ना, बादाम है, लेकिन वो छिलके वाला है।
इन्होंने छील के नहीं रखे, इनको पता है कि कोई भी आएगा खा जाएगा। कागजी बादाम यार, खुशबू नहीं है वैसे ये अखरोट वगैरह सब कुछ। अखरोट दिखा यार, अखरोट दिखा। वाह, इसको बोलते हैं नट। चलो भाई जो भी अच्छा है यार रख दे। तो यार अभी मैं था फ्रूट लेने, लेकिन इनका रेट वही है जो हमारे मोहल्ले में, तो मैं सोच रहा 70 में इसे ले लेता हूँ, लेकिन सस्ते पड़ेंगे ये। रात के 1-2 बजे के बाद जाके सही मिलते, लेकिन अभी बहुत महंगे, बहुत महंगे, मतलब सेम वही मोहल्ले वाला रेट है, तो मैंने इसलिए अभी यहाँ से नहीं लिए। तो भाई यहाँ से हमने लिए हैं जामुन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेट में मिले, 100 रुपये का यहाँ पर किलो मिला, और मैं पहले लेकर आया हूँ 100 रुपये का एक पाव। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 100 रुपये किलो है, तो मैंने यहाँ से लिए। तो थोड़ा अगर हम लोग घूम फिर से पता चल जाता, चले जो भी अच्छे है, फिर भी हमने ले तो लिए। अभी ये देखेंगे, यहाँ पर 100 रुपये किलो है, और ये मैंने 100 रुपये का एक पाव लिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ से 1 किलो और पकड़ा है घर के लिए। और भाई यहाँ से मैंने मैंगो लिए हैं 500 रुपये, 500 के मतलब 5 किलो मिले हैं। चेक कर, हाँ कैसा है, अच्छा है ना, जबरदस्त। अच्छा ये इसने कलर भी अच्छा दिया हुआ है, वो जो पटास दे के पीले के ना बिल्कुल बकवास होते हैं, केमिकल वाला होता है, और केमिकल वाला है। इसके कलर भी अच्छा है, और पीछे भाई पीछे कितने का था 200 रुपये से कम नहीं कर रहा था ये, पीछे भाई 200 से कम नहीं था, और यहाँ पर हमें 100 रुपये ऐसे। चले जो भी अच्छा है इस भाई से, जो भी है लेते जाए, सदर रोड पर बैठे होते ये। और भी मैं अभी घर पर आया हूँ, और मीर जो ना बिल्कुल अभी अभी नींद से उठे हैं, जैसे ही मैं आया हूँ, तो जब मैं गया था तब ये सोया था, अभी मैं वापस आया हूँ तो ये उठे। मैं वहाँ से मैंगो और जामुन ले गया था घर के लिए, तो खैर ये बच्चे वगैरह खाते रहेंगे। और मीर ने एक मैंगो उठा लिया। मीर यार आप अभी, आपको देर है मैंगो खाने के लिए, अभी आपको बहुत देर है, बहुत देर है, अभी छोटे से हो, इतने से हो, इतू से हो जी अब, अभी जो ना बिल्कुल इत्तू से हो, आपको 1 साल देर है। उसके बाद खैर दांत दिखाओ, दांत कितने आ गए पापा, क्या मैंगो चाहिए, हाँ उठो उठो वही दे दो। ओ गंदे बच्चे, आज के बाद फेंकोगे? अच्छा अच्छा नहीं नहीं शोरी शोरी बस, अभी नहीं फेंकना ठीक है, बुरी बात होती है। क्या होती है बुरी बात, गुस्सा दिखा रहे हो फिर से। हमजा कहाँ है, हमजा हमजा कहाँ है, हमजा बुलाओ बुलाओ बोलो हमजा जोर से, मीर जोर से बुलाओ, जोर से मीर, जोर और तेज बुलाओ। अभी तुम नहीं बचेगा, अभी नहीं बचेगा। किचू 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 किचू। अभी मैं आ गया हूँ अपनी शॉप पर, शॉप पर इसलिए आया था कि भाई मुझे अभी आजकल डील करना पड़ता है, मेरा सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर, मतलब चीज़ वगैरह, तो मतलब इसके अंदर चीज़ पड़ी हुई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्रिज में रखना ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए मैं डेली आता हूँ, इसको चलाता हूँ, और डीप फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो डीप फ्रीज़र में रखने से ये है कि भाई वो 10-15 घंटे मतलब एक दिन चलाता हूँ, एक दिन बंद भी रखूँ तो फिर भी बर्फ ही रहती है, तो इसलिए मैं उसको चला के रखता हूँ, उसी में सब कुछ पड़ा हुआ अभी तक। चलिए जी, तो यहाँ पर इसका काम होता है ख़त्म, अभी मैं लाइटिंग वाइटिंग बंद करता हूँ, और अभी तो फ़िलहाल नहीं खोलेंगे क्योंकि ईद के दिन, तो इन दिनों में वैसे भी ये काम नहीं चलता, तो देखते हैं 1-2 दिन तक खोलेंगे शायद। तो अभी मैं भी आया था सामान लेने, फिर वो जाते हुए यहाँ पर यासिर की शॉप है, यासिर अंदर अपने बच्चों के हिसाब किताब कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं था अपने तोतों की अपडेट लेने के लिए, भाई 4 अंडे हो चुके हैं अभी तक, और बच्चे जब देंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तोते वो उधर ऊपर पड़े हुए हैं, बाहर में दिखाऊंगा। ये बल्कि अंदर ही चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यार भाई कितने बच्चे हो गए, भाई ने अभी तो होने लगे हैं, अभी तो बच्चों ने अंडे दिए। बच्चे कब होंगे बच्चे, ये मुझे पता, मैं फिर उस दिन आऊंगा। 10-15 दिन ये लेंगे, ये देखो ये बैठे हुए बच्चे निकलेंगे, उसके बाद वो तैयार होंगे, 10-15 दिन उनमें लगेंगे, तो कम से कम इनमें महीना लगेगा जब बच्चे जो है ना निकलेंगे इनके पास। चलो जिस दिन निकलेंगे ना, मैं भी डेली आके पूछता रहूंगा, चलना फिरना शुरू करेंगे। भाई बहुत सारे लोग हैं जो इनको देखना चाहते हैं कि बच्चे कब आएंगे, तो बच्चे इंशाल्लाह आएंगे एक दिन, अंडे आ गए तो बच्चे भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन, और होने प्यारे चाहिए ना तेरी शक्ल के आ जाए। चलिए जी, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की जो रूटीन थी हमारी यही थी। एक बार किसी करे सबको, चल अब जाना था जा। तो बाकी भाई एक सीन और था कि कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने बोला कि भाई मैं अपने घर ले रहा हूँ रेंट पर, तो काफ़ी मैंने सोचा कि ये जो ना एक सरप्राइज दूंगा जब ये तैयार हो जाएगा, पूरा घर ले लूँगा उसके बाद सब कुछ, लेकिन भाई उसके पीछे बहुत सारे मसले बन गए। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बाबा जो ना घर देख रहे हैं उसके लिए, अम्मी अबू के लिए,
काफ़ी लोग बोल रहे हैं बाबर अपनी अम्मी के साथ रहेगा, और यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई साजिद और कौसर के लिए घर देख रहे हैं, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। तो इनमें से भाई आपका जो आंसर है ना, बाजू सीधा करो बाजू। अच्छा खैर है, क्या अपनी वीडियो। अबे यार एक तो वाइफ भी ना। तो भाई इसमें से आपके सवालों का जवाब जो सही निकलता है वो कोई भी नहीं, सारे गलत 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 गलत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं चाहता कि आपको सरप्राइज दूंगा ये वो। खैर अभी मैं बता देता हूँ कि ये ना हो कि लोग कन्फ्यूजन में रहे। भाई सीन ये है कि मैं घर ले रहा था, उसके अंदर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है, वो एक रेंट वाला छत वाला मुझे चाहिए खुला घर जहाँ पे छत हो, तो उसके जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है मैं सारा उसके अंदर रख लूँगा, ठीक है। और एक रूम वाला ढूंढ रहा था, बाकी जो छत होगी उसके अंदर भाई मेरे जो पैरेट्स वगैरह हैं ना, मैं सब इन्होंने अंडे वंडे दिए हुए हैं, उनके लिए अभी घर बड़ा सा चाहिए, तो इनके लिए मैं एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनाना चाह रहा था जहाँ पर अभी इनके 5-6 दिन तक बच्चे आ जाएंगे और सब कुछ। और ये पैरेट हो गया, दूसरा वाला जो मेरा मिट्टू था उसको भी इनके लिए बड़ा सा पिंजरा बना के वहाँ पर मैं इनको रखता। तो मैंने सोचा वहाँ पे आपको इनका घर बार दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। खैर ये अभी बातें सारी पहले बता देता हूँ, बाकी भाई अलग अलग होने का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस क्या कह सकते यार। तो बस यही सीन था, अभी जब घर वर बनाएंगे और उसके अंदर क्या क्या आएगा इंशाल्लाह मैं आपको सबको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यही था, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है भाई, नहीं लगे तो आई लव यू ऑल।